Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson number 5, Anita and the honeybees. And today I am going to explain you its answer the following in brief. Let's see, our first question is, every child has the right to study. Education up to class 8 is free. What do you know about this? Discuss. स्टैंडर्ड 8 तक सभी बच्चों को पढ़ाई करना वो एक उसका अधिकार है तो आपको पता है किड्स अकॉर्डिंग टू एक्ट 45 ऑफ आवर कंट्री एवरी चाइल्ड ऑफ आवर कंट्री हैज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू 8 किड्स अपनी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बच्चों के अधिकार है उसमें ये एक अधिकार लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक सभी को कंपलसरी एजुकेशन देना एंड अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 29 ऑफ आरटीई एक्ट ऑल चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड्स 1 to 8 हैव द राइट टू एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन है जो बच्चों के लिए यह अधिकार बनाया हुआ है कि सभी बच्चों को 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक कंपलसरी पढ़ाया जाए Now kids, our next question is, what do people do when a bee has stung? जब भी हमें बी जो है वो स्टंग करती है, डंक मारती है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको पता है kids? Let me tell you. When a bee stings someone, first of all, they have to remove the sting because the bee leaves the sting in the person's skin. जब भी बी आपको स्टिंग करती है, तो आपको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से उसके स्टिंग को निकाल देना है। क्योंकि बी क्या करती है उसके स्टिंग को अपनी स्किन के ऊपर छोड़ के जाती है उसने जो डंक मारा है तो उसे आपको पहले निकालना है देन दे अप्लाई कोल्ड वेट मड ऑन द प्लेस उसके बाद उसके ऊपर आपको गीला कीचड़ लगाना है और अप्लाई रस्ट ऑन द प्लेस वेयर बी हैज स्टंग और जहां पर आपको डंक मारा है बी ने वहां पर आपको रस्ट लगा देना है और अप्लाई एडिबल सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन द प्लेस या तो फिर आप वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी लगा सकते हो नाउ किड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी यूज्ड इन योर हाउस व्हाट इज इट यूज्ड फॉर क्या आपके घर में हनी का यूज होता है कौन से काम के लिए आप यूज करते हो हनी का तो यस आपके घर में हनी का यूज जरूर होता होगा राइट व्हेन समवन सफर्स फ्रॉम कफ अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड टर्मरिक इज यूज्ड एज अ मेडिसिन जब किसी को कफ हो जाता है तब आप उसे हनी और टर्मरिक का मिक्सचर पिला सकते हो एज अ मेडिसिन के तौर पर टू मेक पंचामृत फॉर रिलीजियस सेरेमनी और घर में कोई रिलीजियस सेरेमनी हो तब आप पंचामृत भी हनी से बना सकते हो फिर एज अ कॉस्मेटिक के तौर पर भी आप यूज कर सकते हो इट इज यूज्ड विद वार्म वाटर एंड लेमन जूस टू रिड्यूस वेट और आपको अगर आपका वेट लॉस करना है तो आप उसे गर्म पानी के साथ मिला के भी पी सकते हो जिससे कि आपका वेट लॉस होगा दस हनी इज यूज्ड इन वेरियस वेज तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से हनी का यूज करते हैं घर पे Now our next question is how did Anita start her beekeeping business? Anita ने उसका beekeeping का business किस तरह से start किया था? आपको पता है ना kids? Anita completed her course of beekeeping and collected 5000 rupees by giving tuitions to small children. उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के 5000 रुपीस जमा किए थे She bought 2 beekeeping box from money और वो पैसों से वो 2 box खरीद के लाई थी From the remaining money, she bought sugar needed to make syrup for the honeybees. और honeybees के लिए जो syrup बनाना था, तो जो पैसे बचे थे, उससे वो sugar खरीद के लाई थी. And medicine needed to keep the beehives clean. और beehive को clean करने के लिए वो एक medicine भी खरीद के लाई थी. तो इस तरह से अनीता ने उसका beekeeping का business start किया था. Now our next question is why were many people from Anita's village doing the work of the beekeeping? अनीता के जो गांव वाले थे तो बहुत सारे लोग beekeeping का ही काम करते थे तो वो लोग सिर्फ beekeeping का ही क्यों काम करते थे? आपको पता है ना kids? In the region where Anita was staying there was a lot of lychee trees. जहाँ पर अनीता रहती थी वहाँ पर बहुत सारे लीची के ट्रीज थे हनी बीज लव लीची फ्लावर्स और जो हनी बीज होती है उसे लीची फ्लावर्स बहुत ही पसंद होते हैं ड्यू टू दिस इट वॉज इजी टू कीप बीज तो ये थोड़ा आसान हो जाता है बीज को पालने के लिए देयर फॉर मैनी पीपल फ्रॉम अनीताज विलेज वर डूइंग द वर्क ऑफ बी कीपिंग तो इसीलिए अनीता और उसके जो गाँव वाले थे वो ज्यादातर बी कीपिंग का ही काम करते थे
Now our next question is how do ants work in groups? जो ants होती है वो किस तरह से group में काम करती है? तो kids मैंने आपको जब chapter explain किया तब बताया था ना, ants also stay and work in groups just like honeybees. जो चींटियां होती है वो भी honeybees की तरह ही group में रहती है और group में ही काम करती है. The queen ant lay eggs. जो queen ant होती है वो अंडे देती है. Soldier ants protect and look after the ant hill. और जो soldier ant होती है वो protect करती है उनके ant hill को और उसका ध्यान रखती है. Worker ants continuously work to search for food. और जो worker ants होती है वो हमेशा ही food को खोजती रहती है. And reach the food they find to the ant hill. और वो खाना जो वो search करती है उसे ant hill तक पहुंचाती है. This is how ants stay and work in groups. तो इसी तरह से जो एंट्स होती है वो साथ में रहती है और साथ में ही काम करती है. तो किड्स यहाँ पर हमारा नोट्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है. आपको आपकी पीडीएफ में से ये वर्क आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.